आपके साथ मैं हूं यास खान और आप देख रहे हैं तेज खबर 24। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां बेटी की सगाई की रस्म अदायगी कर लौट रहे लीमा चौहान थाना प्रभारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया गया कि थाना प्रभारी की अल्टो कार सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई, जिससे कार में आग लग गई और थाना प्रभारी की आग में झुलसने के कारण मौत हो गई है। बताया गया है कि लीमा चौहान थाना प्रभारी अशोक तिवारी इलाहाबाद से भोपाल 2 दिन के अवकाश पर आए हुए थे, जहां उन्होंने बेटी की सगाई कर आज भोपाल से अपनी अल्टो कार क्रमांक MP04CN2390 से लौट रहे थे। इसी दौरान रायगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पनवाड़ी और कंडारा कोठरी के बीच एक डंपर ने कार को सीधी टक्कर मार दी, जिससे हुई दुर्घटना के बाद कार धू धू कर जल उठी और कार के अंदर मौजूद थाना प्रभारी अशोक तिवारी की जलकर मौत हो गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर राजगढ़ से आ रही है, जहां बेटी की सगाई की रस्म अदायगी कर लौट रहे थाना प्रभारी अशोक तिवारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है और घर में हो रहे वैवाहिक कर्म और घर में हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम की सारी खुशियां मातल में तब्दील हो चुकी हैं।